फ्रेंड्स, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार के लिए एक बुरी खबर है। फॉरेंसिक लैब ने फुटेज को कंफर्म कर दिया है जिसमें सुशील कुमार पीटते हुए दिख रहे हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सुशील कुमार के लिए ये एक बुरी खबर है, सामने आई है। दरअसल फॉरेंसिक साइंस लैब ने अपनी रिपोर्ट में मोबाइल की उस वीडियो फुटेज को सही ठहरा दिया है जिसमें सुशील अपने साथियों के साथ सागर की पिटाई करते दिख रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सुशील कुमार जो कि फरार है, 1,00,000 रुपये का इनाम है इन पर और इनके एक फ्रेंड पर 50,000 रुपये का, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस तरह से एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूव की थी उस पर भी राहत नहीं मिली है और अब ये कहा जा रहा है कि लास्ट लोकेशन सुशील कुमार का पंजाब भटिंडा में पाया गया है, लेकिन मुश्किलें बढ़ गई हैं जिस तरह से ये एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। और वहीं ये भी माना जा रहा है कि चांसेस हैं कि सुशील कुमार नेपाल भाग सकते हैं या भाग चुके हैं, लेकिन ये एक बुरी खबर है सुशील कुमार के लिए। सागर हत्याकांड मामले में सुशील कुमार पर फॉरेंसिक लैब ने ये कंफर्मेशन दी है। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सीसीटीवी फुटेज में भी कई खुलासे हुए हैं, इसके चलते अब सुशील कुमार के लिए ये एक मुश्किल घड़ी है और मुश्किलों भरा सफ़र रहेगा आने वाले दिनों में लग रहा है, क्योंकि सारे प्रूफ्स अगेंस्ट जा रहे हैं सुशील कुमार के। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।